बड़हरा क्षेत्र के सरैया में अलीगंज भवन निकालने वाला को क्या तैयारी, किस तरीके का ये रैली? ये रैली जो है CAA है एवं NRC के समर्थन में निकाली जाएगी और यह रैली पूरी तरह से शांति पूर्वक रैली हो रही, अहिंसात्मक रैली हो रही और यह रैली जनता को जागरूक करने के लिए हो रही कि CAA है क्या, नारी संशोधन बिल जो है सीटी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, यह नागरिकता देने के लिए है। असहाय प्रताड़ित जो हमारे बंटवारे के समय में लोग फंस गए हैं उनको, वो प्रताड़ना जो उनके साथ हुई है, उनके उत्पीड़न जो हुई है, उनके माँ बहन बेटियों के साथ जो प्रतिष्ठा से खिलवाड़ हुई है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए जो दबाव डाला गया है, उससे प्रताड़ित होकर और भयभीत होकर जो हमारे देश में शरण लिए हुए हैं, उन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए यह नारी संशोधन बिल हमारे मोदी सरकार द्वारा लाई गई। तो सर कल रैली में कौन कौन से लोग होंगे? यह रैली आशा देवी के जो बरहारा के भाजपा के उम्मीदवार भी थी और बरहारा के विधायिका भी रह चुकी हैं, दो दो बार चुनाव जीती हैं, उनके नेतृत्व में यह रैली का आयोजन किया गया है। और इसमें हम लोग चूंकि स्कूल के बच्चों को रैली में वो बुलाते हैं जिनका जनता का समर्थन नहीं होता, हम लोग पूरे जनता बरहारा की जनता इस रैली में शामिल होगी और लोगों को बताएगी कि हम NRC के और CAA के साथ हैं। तो सर जो आगामी 30 तारीख को भी यहाँ एक कार्यक्रम है आशा देवी जी बरहारा, हाँ उसमें मंडल पांडे जी जो हमारे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस पूरे जिला लेवल में इस बैठक हो रही है, इस सम्मेलन हो रहा है नारी प्रचारणी हॉल में, उसमें भी बरहारा की जनता आशा देवी के नेतृत्व में भारी संख्या में शामिल होगी और जिससे भोजपुर जिले में इसको जागरूकता बताया जाए, आम लोगों को बताया जा रहा है, चूंकि बहुत हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं। क्या संदेश देंगे जो विगत दिनों प्रदर्शनकारी उपद्रव किए, तोड़फोड़ किए, भोजपुर में भी लगातार प्रदर्शन हुआ और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जहां तहां कुछ उत्पात किए जा रहे हैं? विरोधी दल के लोग तो बंद के नाम पर, विरोध के नाम पर और गरीबों को रिक्शा वाले को रिक्शा पलटते हैं, टेम्पू वाले टेम्पू फोड़ देते हैं, गाड़ी और शीशा तोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल तोड़ देते हैं, छोटे छोटे दुकानों में जो गरीब भाई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको लूट लेते हैं, इनको तो विरोध प्रदर्शन के नाम पर लूटपाट मचाना है। इनको तो ये भी पता नहीं है कि NRC क्या है, CAA क्या है, नारी संशोधन बिल क्या है, उनसे कार्यकर्ता तो पूछने पर बताते हैं कि प्याज का दाम बढ़ गया है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, अब उन पर पता ही नहीं है। जो सर कल बरहरा में निकलने वाला है, उसमें क्या खास होगा, किस तरीके का रैली का स्वरूप? यह रैली पूरी तरह से जनता को जागरूक करने के लिए और समाज में और अपने देश में एक संदेश देने के लिए होगी कि ये हम जो हमारे देश का बंटवारा के समय में 70 वर्ष से जो प्रताड़ित पीड़ित हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई हैं, जो प्रताड़ना से हो तो शिकार हो तो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से जो आके भारत में शरण लिए हैं, घुसपैठिए तो नहीं शरणार्थी को, उनको नया जीवन देने के लिए, उनको एक इंसान के रूप में जीवन जीने के लिए यह नारी बिल संशोधन लाया गया है।